नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप पीसीएस एनपी बुक शॉप बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके जब किसी भी स्कूल में सेट वाइज सेल करते हैं, यानी कि जो भी स्कूल में आप स्टूडेंट को क्लास वाइज सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिलिंग करते समय आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी है और नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी है, नंबर ऑफ स्टेशनरी फाइल कवर, नंबर ऑफ रोल्स कितने हैं, और एज वेल एज उनके जो टोटल अमाउंट है कि नंबर ऑफ बुक्स इतनी तो उसका टोटल अमाउंट इतना हो गया, नंबर ऑफ नोटबुक्स इतनी तो उसका टोटल अमाउंट इतना हो गया, तो वो भी आप पीसीएसएनपी बुकशॉप बिलिंग सॉफ्टवेयर में बिलिंग टाइम पर देख सकते हैं। तो चलिए उसको किस तरह से आप देखेंगे, किस तरह से वो आपको दिखेगा देखते हैं। सबसे पहले हम लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पे रनिंग डेट को चेंज कर सकते हैं, जैसे आज 5 जुलाई है तो हमने 5 जुलाई लगा दिया, डेट चेंज सक्सेसफुली हो गई। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे सेल में, सेल ऑफ गुड्स में, सेल ऑफ गुड्स ओपन करके यहाँ से हमको बिलिंग जिसकी स्टूडेंट का बिल क्रिएट करना होता है वो हम यहाँ पे कर पाएंगे। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है वो KRM 3 मतलब KRM स्कूल का नाम और जो 3 है वो क्लास है, हमने एंटर करी। तो एंटर करते ही जितने भी उस सेट के अंदर आइटम्स थे, चाहे नोटबुक्स हो, चाहे स्टेशनरी हो, चाहे बुक्स हो, वो सब ऐड हो गई। अब हमें टोटल देखना है कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, नंबर ऑफ स्टेशनरी कितनी है, नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी है और उनका अमाउंट कितना है। तो हम यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F7 प्रेस करते हैं आप यहाँ राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे बुक्स 9 और उसका टोटल अमाउंट 1748, वैसे नोटबुक्स उसका जो टोटल क्वान्टिटी है 9 और जो उसका टोटल अमाउंट है 345। इसी तरह से स्टेशनरी शो कर रहा है, अदर्स यानी जिसका ग्रुप अदर्स है वो दिखा दिया, रोल जो रोल्स हैं 8 रोल्स हैं, ₹80 के, कवर नहीं है, फाइल नहीं है, फोल्डर नहीं है। तो इस तरह से आप को जो सेट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं और उन आइटम्स का जो टोटल है वो आपको यहाँ पे बिना बिल किए, यानी कि बिल अभी नहीं बना हुआ है, सिर्फ हमने एक सेट ऐड किया हुआ है, तो वो आप पहले से देख सकते हैं और कस्टमर को ये बता भी सकते हैं अगर वो पूछे तो। उसी तरह से अगर मान लीजिए वो चाहते हैं कि हमको कोई बुक नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं, उसी तरह से कोई दूसरा बुक नहीं चाहिए, जैसे जैसे हम इसको अनटिक करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे अमाउंट भी कम होता जाएगा और जो उसका टोटल यहाँ पे दिखा रहा है उसमें भी जिस जिस ग्रुप्स के वो होंगे उसका नंबर और उसका अमाउंट कम होता जाएगा। जैसे हम नेम स्लिप हटाते हैं तो नेम स्लिप हटाई तो अदर्स में 5 हो गया, अगर हम नेम स्लिप ऐड करते थे तो अदर्स में 8 हो गए और ₹157 हो गया। हमने जैसे ही इसको अनटिक किया तो अदर्स वाले ग्रुप के अंदर 5 क्वांटिटी हो गई और ₹112 हो गया, यानी ₹112 का अदर्स वाले ग्रुप के अंदर जो भी आइटम्स थे वो हैं। तो इस तरह से आप बिल बनाते समय, यानी बिल बनाने से पहले आपने सेट ऐड किया तो आपको पूरा टोटल पता चल जाएगा। उसके बाद जब आप ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे फिर आपने एंटर करना है और जो सेटलमेंट मोड है लाइक कैश है, चेक है, क्रेडिट कार्ड है, UPI होगा तो UPI में देखिए पेमेंट QR इनेबल्ड है, आपने एंटर किया तो यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट QR दिख जाएगा, यानी इस QR कोड को स्कैन करके कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपने एंटर करना है और सेव कर देंगे। तो इस तरह से PSSNP बुक शॉप बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप बिल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमको इसका प्रिंट देखना है तो आप यहाँ पे देखेंगे बिल नंबर आया, आपने शो बिल पे क्लिक किया, ओके किया तो यहाँ पे देखिए इसका आपको A5 में बिल भी दिख जाएगा जिसमें आपको जो भी पर्टिकुलर्स हैं उसके नाम और क्वांटिटीज, अमाउंट और टोटल अमाउंट और नीचे GST की बाइफरकेशन भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इस तरह से आप PSSNP बुक शॉप बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बिल बना सकते हैं और बिल के अंदर के जो आइटम्स हैं उनको, उनके ग्रुप का टोटल और टोटल अमाउंट और जो उनके क्वांटिटीज हैं वो भी आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये फीचर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।